Hey, hello everyone. I welcome you to ArcGenesis, and today we are going to discuss about the aptitude test. Like as we know कि नाटा के अंदर aptitude test में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कन्फ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं. इनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोफेसर क्वेश्चन में के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इन दैट वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस कितने तरह के टाइप हो सकते हैं, लाइक हाउ मेनी टाइप्स वी कैन हैव द एप्टीट्यूड क्वेश्चन, और कुछ हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं. ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है. देखो, इसको समझो, क्योंकि आर्किटेक्चर का एग्जाम है. इज जनरली एनी टेस्ट डिजाइन टू मेजर पोटेंशियल फॉर द अचीवमेंट. एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है किसी की भी पोटेंशियल को, पोटेंशियल किस चीज़ के लिए, अचीवमेंट को जज करने के लिए, मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया जाता है. कभी कभी लोग कन्फ्यूज होते हैं एप्टीट्यूड के साथ कि एबिलिटी और अचीवमेंट, जबकि दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं, तीनों ही अलग अलग वर्ड्स हैं. अब क्या होते हैं, लेट्स से. देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है हाउ क्विकली और इजीली यू विल बी एबल टू लर्न इन द फ्यूचर, कि आप कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कोई चीज़ को जल्दी सीख पाते हो. अभी आपको आती नहीं है, बट अगर आपको चीज़ सिखाई जाएगी, कितनी जल्दी आप उसको समझ पाते हो, रिकॉग्नाइज कर पाते हो. ठीक है, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, वॉट यू आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट इन द प्रेजेंट. एबिलिटी का मतलब है कि आप आज क्या कर पा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग कर सकते हो, तो ये आपकी एबिलिटी है कि आप ड्राइविंग कर सकते हो कार से या फिर टू व्हीलर से. इट्स योर एबिलिटी एट द प्रेजेंट. अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, वॉट यू हैव अकम्प्लिश्ड इन द पास्ट. आपने क्या क्या चीज़ें एक अकम्प्लिश की है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्रिकेटर हैं, तो आप बोल सकते हैं मैंने सेंचुरी बनाई है, तो इट वॉज योर अचीवमेंट. एबिलिटी क्या है, कि आप एक अच्छा क्रिकेट खेल पाते हैं. और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, कि अगर आपके एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, तो अगर आप क्रिकेट के साथ अगर हम बैडमिंटन की प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप कितनी जल्दी उस चीज़ को समझ पाएंगे. आई होप कि आपको इन तीनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अगर हम बात करें कि कितने तरह के एप्टीट्यूड हो सकते हैं, देखो, इट कैन बी अराउंड 9 टाइप्स ऑफ द एप्टीट्यूड. एक होता है जनरल लर्निंग, जो आपने स्कूल कॉलेज में सीखी है आज तक, उसको बोला जाता है. फिर एक होता है वर्बल एप्टीट्यूड, इसमें नाटक के अच्छा खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक लेक्सिकन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, एरर, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्प्रूव द सेंटेंस. तो ये सब चीज़ें आपकी लैंग्वेज रिलेटेड होते हैं, उनको बोलते हैं वर्बल एप्टीट्यूड. फिर होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसके अंदर आपको मैथमेटिकल सेट्स, इसको सेट देखा जाता है, एक बेसिक कैलकुलेशन पर हो सकता है, या फिर जैसे टाइम डिस्टेंस के ऊपर, वर्क एंड टाइम के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों के अंदर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट देखा जाता है. ठीक है, और कौन से तरीके हो सकते हैं, स्पेशल एप्टीट्यूड हो सकता है. यस, आज जो पूरा डिस्कशन है ऐसे ही इन टॉपिक के ऊपर है, एंड इन कमिंग सेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड. इन सब चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन भी देखने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, मतलब क्या है कि स्पेशल एप्टीट्यूड का मतलब है कि जो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं उनको आप कितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हो उसको, एंड अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न, और जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, लाइक बाय ऑब्जर्विंग सर इफ सम इमेजेस, तो आप एक पैटर्न फॉलो करने समझ पाते हो, उसको बोला जाता है स्पेशल एप्टीट्यूड. लाइक अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लैट पीस पैक पीस ऑफ द फर्नीचर फ्रॉम द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. लाइक आपके पास, ऐसा मान के चलो कि यू आर हैविंग सम पार्ट्स ऑफ द टेबल, और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको ये यहाँ पर ऐसा कर टेबल लगानी है, ऐसा लैब डालना है, ऐसा आपकी जो इसके लेग्स रहेंगी, कितनी जल्दी इसको बना पाते हो. तो इट इज़ अबाउट द स्पेशल एप्टीट्यूड. फॉर्म परसेप्शन हो सकता है, फिर होता है क्लर्किकल परसेप्शन हो सकते हैं, जैसे नाम से क्लियर है कि क्लर्किकल का मतलब क्या है, कि आप किसी डेटा को कोई रीडिंग करके, आपको कुछ एक चार्ट दिया गया है, उसको कैसे ऑब्जर्व करके उसकी कंक्लूजन पहुंच सकते हो, उसको बोला जाता है क्लर्किकल परसेप्शन. फिर होता है कि मोटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, फिंगर डेक्सटेरिटी हो सकती है. फिंगर डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी, लाइक मैनिपुलेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट क्विकली एंड एक्यूरेटली, लाइक आप कितना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, पियानो होता है, गिटार हो सकता है, कितनी जल्दी हम सीख पाते हो उनको, कैसा है. फिर एक होता है मैनुअल डेक्सटेरिटी, इसका मतलब क्या है, स्किल्स ऑफ बींग एबल टू वर्क विद योर हैंड, आप जैसा पेंटिंग, डांसिंग या बिल्डिंग थिंग्स एंड ऑपरेटिंग, इन सब चीज़ों को बोला जाता है मैनुअल डेक्सटेरिटी. ठीक है, अभी जो हमारे नाटक के लिए जरूरी है, जहाँ पर पूछे जाते हैं, स्पेशल एप्टीट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हम बात करें यहाँ पर, वर्बल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड. तो तीन तरह के जो नॉर्मली एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे, और इट डिपेंड्स कि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं, तो हम उसके नेक्स्ट वीडियोस भी लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. अब हम आते हैं आज का जो डिस्कशन है, दैट इज स्पेशल एप्टीट्यूड. क्या मतलब है, द डेफिनेशन ऑफ द स्पेशल इज पर्टेनिंग टू द स्पेस. मतलब क्या है कि स्पेशल जो है वो स्पेस से वर्ड बना हुआ है, एंड स्पेशल एबिलिटी मीन्स द परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी दैट इनेबल्स ए पर्सन टू डील विद स्पेशल सिचुएशंस. मतलब
आप जो स्पेस के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरलेशन के साथ करते हुए किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है, किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, या फिर उसकी एक सीरीज को बताना है, उसको बोला जाता है स्पेशल एप्टीट्यूड। द क्वेश्चंस विद इन सच टेस्ट टिपिकली टेक द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ अ शेप ऑफ डायग्राम। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कोई शेप दी जाएगी, आपको डायग्राम दिया जाएगा, फॉर फ्रॉम विच यू हैव टू पिक द ऑड वन आउट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक आई कैन गिव यू द फोर सेट, और आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको ऑड बताना है, लाइक जो बाकी के तीन ऑप्शन है वो किसी पैटर्न को या फिर एक रूल को फॉलो कर रहे होंगे। जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग। आइडेंटिफाई विच शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। ये आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको एक सीरीज दे दूंगा, एक पैटर्न फॉलो करता होगा, एंड देन आई कैन आस्क यू कि अब बताओ इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज में क्या आने वाला है। ठीक है, चूज फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव दैट डायग्राम दैट विल कंप्लीट एन एनालॉगी या फाइंड द मिसिंग एलिमेंट। ये ऐसा पूछा जा सकता है कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं एंड समथिंग इज मिसिंग, आपको बताना है कि क्या चीज मिसिंग है। ठीक है, द एबिलिटी बींग इन्वेस्टिगेटेड इन दिस टाइप ऑफ द टेस्ट इज हाउ वेल अ पर्सन इज एबल टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड मीनिंग फ्रॉम विच माइट अपेयर एट ए फर्स्ट ग्लांस रैंडम और वेरी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। तो इसको एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन किस तरीके आते हैं। अगर हम बात करें अभी तक तो क्वेश्चन कैसे आए हैं, तो ऐसा कंप्लीटली सीक्वेंस ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि टोटल स्क्वायर्स इस पूरी इमेज के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, उसके बारे में बताना है। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, ये भी चीज़ आती है आपको इसमें बताना है कि अगर आप यहाँ पर बनाते हैं सही फ्रॉम ए गिवन वन पॉइंट परस्पेक्टिव ऑफ द लिविंग ग्रुप आइडेंटिफाई विच डिस्प्ले रैक विल बी रिप्लेस इन द प्लेस ऑफ एक्स। तो आपको बताना है इसमें कौन सी, अगर यहाँ पर आप रैक लगाना चाहते हैं तो कौन सी आएगी। फिर आ सकता है कितने ब्लॉक्स यहाँ पर हुए हैं, फिर पेपर से रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चन पूछी जा सकते हैं, और या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लाइक यहाँ पर आपको मिसिंग एक फिगर दे दी गई है, आपको बताना है कि यहाँ पर इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं डेडिकली तैयारी करना तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, और वी आर हैविंग लाइक 4 to 5 क्लासेज होती हैं पर वीक, 2-2 घंटे क्लासेज होती हैं, काफ़ी कुछ डिस्कस किया जाता है, वीकली एनरिचमेंट प्रोग्राम होंगे, फिर जो मॉक टेस्ट हैं इट इज़ नॉट 30, इट इज़ नाउ 50 के आसपास। सो 50 मॉक टेस्ट होने वाले हैं एंड जेई और नाटा, 2 जेई और 3 नाटा के अटैम्प्ट की तैयारी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, और बाकी आपको कुछ कन्फ्यूजन है आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ओड वन आउट। आपको बताना है कि विच इज द ओड वन आउट, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करनी है, वीडियो पॉज करने के बाद आप कमेंट करना, कमेंट नहीं कर पा रहे हो बट एटलीस्ट पेपर पेंसिल पर, अगर पेपर पेंसिल पर नहीं कर पा रहे हो तो अपने माइंड में डाल लेना, चेक सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जब तक तो सॉल्व नहीं करोगे तो क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम पर नहीं होंगे। सो आई होप आपने इसको देख लिया होगा, आपने भी एक सही ऑप्शन चूज कर लिया होगा अपने हिसाब से। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग दैट थिंग। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये वाला है इट इज़ सेम, ये दोनों सेम है क्योंकि इसको रोटेट किया गया है, सिर्फ ये भी इसको रोटेट किया गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों सही नहीं है, अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आपकी जो लाइन है इधर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसको रोटेट करके देखना, सो डी विल बी दी ऑड वन, तो डी विल बी दी राइट ऑप्शन। आई होप क्लियर है। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन हैं, विच इज द मिसिंग सर्कल। आपको बताना है कि यहाँ पर आपको पैटर्न दे दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर इन सब में से ABCD 4 ऑप्शन आर देयर, इसमें से कौन सा सर्कल इसको पूरा कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या, इन क्वेश्चन क्या करना होता है, पहले आप ट्राई करो अटेम्प्ट करने की, और आई थिंक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि हमें पैटर्न फॉलो करना होता है। अगर आप देखेंगे कि जो ये लॉन्ग हैंड है ना, जो ये बड़ी वाली जो है, ये कितना रोटेट कर रहा है हर उस पर, लाइक यहाँ पर कितना वो 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं है, लेट्स से कि अगर 90 डिग्री को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। यस, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 90 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 90 हो गया। सो ये बात तो क्लियर है कि जो बिग हैंड है वो हमारा या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। सो बी इलिमिनेट हो जाता है ऐसे में ऑप्शन। अब हम देखते हैं छोटे वाले को, छोटे वाला क्या कर रहा है, इसको 45 डिग्री ये काउंटर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, लाइक यहाँ पर था सो फिर यहाँ पर रोटेट हुआ। ओके, और अगर हम इसको बनाते हैं इस तरीके से तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा। सो ये जो होना चाहिए इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर है, तो आई थिंक समझ में आया रूल क्या बना इसका। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर इट। फिर आता है कि विच इज़ द मिसिंग सेक्शन। अब आपको एक दिया गया है, इसके अंदर एक पूरी सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि दिस इज द मिसिंग पार्ट, दिस इज द मिसिंग पार्ट एंड दिस इज द मिसिंग पार्ट। इन तीनों के जो एम्प्टी स्पेसेस हैं यहाँ पर कौन सा आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी एंड डी, आपको बताना है। तो अगर मैं छोटा सा ऑब्जर्व करूँ तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि लाइक मैं इसको इस वाले पार्ट को सिर्फ फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि जो ब्लैक डॉट हैं, वो 2 आ रहे हैं। ठीक है,
टू ब्लैक डॉट, यहां पर देखता हूं तो टू बिग सर्कल, यहां पर नोटिस करता हूं तो टू स्मॉल सर्कल, यहां पर देखता हूं तो टू स्मॉल सर्कल, ये डॉट है ना, छोटे डॉट आए हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि जो किसी भी लाइन के अंदर वहां पर कोई ना कोई चीज दो बार रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहां पर तो डॉट आ गया, यहां पर ये चीज है, तो यहां पर तो दो रिपीट हो चुकी है ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है, देर आर ओनली फोर टाइप ऑफ द थ्री टाइप ऑफ द एलिमेंट, एक तो यह ब्लैक डॉट है, या फिर छोटा वाला है, या बड़ा वाला है। तो ये वाली बात तो क्लियर है कि इसके अंदर हमारा कोई सा भी स्मॉल सर्कल तो नहीं आएगा, लाइक वी कैन इलिमिनेट दिस लाइन, और हम इसको हटा कर रखते हैं, तो वी रेस्ट विद द ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल डॉट आएगा, और यहाँ पर ये पूरा सर्कल आ जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल सर्कल, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। आई होप आपको सही समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हम लोग इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। फिर सेम क्वेश्चन है कि विच इज ओड वन आउट, आपको बताना है इसमें से कौन सा ओड है, या कौन सा मतलब जो एक रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप भी सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है ये। देखो अगर मैं सबसे वाली बात करूं तो यहाँ पर ब्लैक कितने डॉट हैं, थ्री, यहाँ पर कितने दो हैं, यहाँ पर थ्री हैं, यहाँ पर थ्री हैं। सो एक काम करते हैं, थ्री ब्लैक डॉट, यहाँ पर भी थ्री हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थ्री नहीं, यहाँ पर टू हैं, यहाँ पर थ्री हैं, यहाँ पर थ्री हैं, और चेक करते हैं। यहाँ पर एक चीज नोटिस करते हैं कि दो और टू स्मॉल सर्कल, यहाँ पर कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री स्मॉल सर्कल, यहाँ पर वन टू स्मॉल सर्कल, यहाँ पर भी टू स्मॉल सर्कल। हमें इसका मतलब क्या हुआ कि अब कन्फर्मेशन मिल गया कि बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसको बी पर क्लिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो सॉल्व करने की, और फिर देखते हैं आपको सही में आया नहीं आया है। तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, तो आप वीडियो को तभी प्ले करके देखना है जब आप इसको ट्राई कर चुके हैं। अगर मैं इनको समझा रहा हूँ तो फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे किसी भी हालत में। आपको समझना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स, कि अगर ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे तो मैं वहाँ पर उन माइंड को कैसे यूज़ करूँगा कि सही ऑप्शन से पहुँच पाऊँ, ठीक है। तो क्वेश्चन फाइव को देखते हैं। अगर मैं एक्चुअली नोटिस करता हूँ कि जो ये डायगनल लाइन है, ये अगली लाइन के अंदर वन एंड टू लाइक दूसरे स्टेप पर जाती है, ओके। तो यहाँ पर जो लाइन है ये प्लस टू होती है यहाँ पर, उसके बाद ये माइनस वन होती है, और उसके बाद प्लस टू होती है, क्लियर है। तो डायगनल लाइन है, एक बार वो दो आगे जा रही है और एक बार पीछे आ रही है, वन वन प्लेस पीछे और टू स्पेस आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, वन वन अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर था, सो वन एंड टू, टू स्पेस आगे, फिर क्या होता है माइनस वन एक तरफ आता है, फिर उसके बाद वन एंड टू टू आगे जाता है। इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है वो मेरा यहाँ पर एक पीछे होगी, लाइक कुछ इस तरह से बनने वाली। सो वन टू थ्री फोर, फोर्थ नंबर पर डायगनल आनी चाहिए। सो वन टू थ्री फोर, या तो ऑप्शन बी सही है या फिर ऑप्शन हमारा डी सही है। इस एक छोटे से फॉर्मूले से हम क्लियर हो गया, तो ऑप्शन आइदर वी आर हैविंग द बी और द डी, इन दोनों में से सही होने वाला है। चलो अब हम देखते हैं, अगर हम लोग स्मॉल सर्कल देखते हैं तो ये वन एंड टू एंड थ्री, मतलब वन टू एंड थ्री पर जाकर हो रहा है प्लस थ्री। अगली बार में क्या होता है, माइनस वन माइनस टू, माइनस टू पर जाता है, फिर हम देखते हैं प्लस थ्री, वन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। तो पैटर्न क्लियर हुआ, प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू। तो इसका मतलब क्या है कि कहाँ पर होने वाला है स्मॉल सर्कल, तो यहाँ पर माइनस वन एंड माइनस टू, यहाँ पर कहीं अपना आएगा। इसका मतलब क्या, वन टू थ्री फोर फाइव, फिफ्थ जो प्लेस है वहाँ पर अपना आना चाहिए ये वाला। तो यानी कि ऑप्शन, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें, मतलब अपना ये वाला है, तो यस ऑप्शन डी ही सही ऑप्शन है अभी तक, है ना, क्योंकि इसके अंदर अपना सर्कल आ गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा नहीं है, लेकिन अभी चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो अभी तक ऑप्शन डी है, लेकिन फिर उसे आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इस लाइन के बारे में, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये माइनस वन माइनस टू होती है, और ये प्लस वन होती है, फिर माइनस वन माइनस टू, तो इसका मतलब क्या, प्लस वन होने वाली है। तो प्लस वन का मतलब यहाँ पर कहीं आएगी इस तरह से, तो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, यस, तभी ये अपने पास ऐसा दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन सही है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी, बहुत इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन आपको थोड़ा सा पैटर्न देखना है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने दिखाए भी हैं, ऐसे पूछे गए हैं।
सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहाँ पर क्या करना है आपको, एक रूल फॉलो करना है, यहाँ देखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस वाली जो ये एम्प्टी है सर्कल और एक ब्लैक सर्कल है और यहाँ पर एक ब्लैक सर्कल है, ये तीनों पोजीशन कॉमन है, लाइक ये वाला पार्ट भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये वाला पार्ट भी कॉमन है, इट इज़ कॉमन हेयर। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ रिपीट मिली हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा हिंट है, इसका मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में सही जवाब। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। तो यहाँ पर आपको बताना है विच इज़ दी ओड वन आउट, कि इसमें कौन सा ओड है। तो और ट्राई करते हैं इसको, आई थिंक आपने कर लिया होगा, मुझे भी एकदम से मिल गया है। देखो इसका ऑप्शन बी है, पता है बी क्यों है, अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर ये मून है, ठीक है, मून के लेफ्ट में स्टार है और मून के राइट में ये शील्ड टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर क्या मून के राइट में क्या है, ट्रायंगल है और लेफ्ट में शील्ड है, तो स्टार गलत है या फिर ट्रायंगल गलत है, दोनों में से क्यों दोनों अलग मिल गए। अब यहाँ चेक करते हैं, तो ये मून है, मून के राइट में ट्रायंगल है और इधर शील्ड जैसा बना हुआ है, यहाँ पर मून के अगर राइट ट्रायंगल है और शील्ड से बना हुआ है, ठीक है, लेफ्ट में। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ शील्ड टाइप है और यहाँ पर आपका ट्रायंगल है, तो ऑप्शन बी विल बी दी ऑड, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। अच्छा वन मोर थिंग, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप फ्री मॉक टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। उसको करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डाउनलोड द आर्कजेनेसिस ऐप। आर्कजेनेसिस ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपके लेफ्ट टॉप में आपको थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देंगी, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दैट थिंग। तो यहाँ पर आपके पास आएगा फ्री टेस्ट, यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी है और हम ट्राई करते हैं वीक में एक या दो टेस्ट कम से कम आपके लिए अपलोड कर सकें, फॉर दैट कि आपकी तैयारी होती रहे। अभी जेई के लिए हैं बट इन कमिंग डेज आपके लिए नाटा के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको फ्रीली अवेलेबल किए जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट, आपको बताना है व्हाट कम नेक्स्ट। तो देखो सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, तो यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर ये ब्लैक है, ये वन है, ये टू है, थ्री है, देन थ्री है, टू है, इसका मतलब क्या है कि कम होता जा रहा है। तो उसके बाद वन, फिर क्या हुआ, ये वाइट का ब्लैक हुआ, फिर वाइट होता है, फिर ब्लैक होता है, इसका मतलब क्या होने वाला है। तो वन आएगा ऑफ कोर्स, वन है, टू है, थ्री है, थ्री है, टू है, वन है, तो इट हैज़ टू बी बी और फिर डी ओनली। यहाँ पर देखते हैं तो वाई ब्लैक एंड वाइट, फिर ब्लैक, दो वाइट होते हैं, फिर एक ब्लैक और ये, तो उसके बाद ये हो जाएगा बी, बी विल बी दी राइट ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना है कि विच इज़ द ऑड वन आउट, तो ट्राई करो सॉल्व करने की। आई थिंक बहुत सिंपल है क्वेश्चन, क्लियर हुआ, मैं आपको बताऊँ ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। अभी आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो ट्राई करो सोचने की, थोड़ा सा जोर डालोगे माइंड के ऊपर अच्छा रहेगा, ठीक है। तो डी विल बी दी राइट ऑप्शन, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ब्लैक डॉट है ये हमेशा सर्कल के अंदर है, इट इज़ ऑलवेज इन साइड द सर्कल, यहाँ पर क्या है सर्कल से बाहर चला गया, मतलब है कि स्क्वायर के अंदर हो गया है। आप देख रहे हो, आई थिंक आपका पूरा ध्यान यहाँ पर है, ठीक है, सोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नींद आ रही है या फिर कुछ लग रहा है तो वीडियो पॉज करो, बामा देख लेना इसको, ठीक है। या यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच इज़ द मिसिंग टाइप, आपको ये चीज़ बतानी है कि इसमें कौन सा पार्ट आएगा, लाइक यहाँ पर बताना है कौन सी आप ऐड करेंगे, तो ट्राई करो करने की। देखो वो सिंपल है, ये है वन, इट इज़ टू, इट इज़ थ्री, ठीक है। यहाँ पर कॉलम वन की बात करें, कॉलम वन के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये ब्लैक कॉमन है, यहाँ पर ये ब्लैक भी कॉमन है, तो यहाँ पर जो कॉमन है ये रिपीट हुआ है। फिर आप देखेंगे तो ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी चीज़ रिपीट हुई है, ठीक है, तो ये भी रिपीट हो गया। अंदर एक सर्कल सर्कल है पर यहाँ पर सर्कल नहीं है, तो यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है। फिर ये आपको बाहर एक सर्कल है, फिर यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पर जो सर्कल है यहाँ पर ये नहीं है। सो मतलब क्या है कि जो कॉलम वन है, कॉलम टू है, उसमें जो भी कॉमन है वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो वेरी सिंपल, अगर मैं इसका बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, इफ़ आई मेक लाइक दिस, तो यस ये मिलेगा आपको, ये पार्ट यहाँ पर नहीं है,
और जो ये यहाँ पर नहीं है, सो इट इज़ गोइंग टू बी एम्प्टी वन. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि व्हाट कम नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वन, यहाँ पर टू है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 अगला मतलब ये तो कन्फर्म 10 होने वाला है. सो 10 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हट गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी हटा. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन. ऐसा है अगर हम देखना चाहें तो. ठीक है, एक नॉर्मल फॉर्मूला बना कि इसके अंदर हमारे जो सर्कल टोटल हैं वो टोटल 10 है. तो इसमें क्या चीज आने वाली है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो हैं, उसके बाद ऊपर एक ऐड होता है, यहाँ पर भी ऐड होता है. ठीक है, फिर अपना ये वाला पार्ट बन जाता है, फिर आपके ऊपर एक और ऐड होता है यहाँ पर, फिर हमारा ये वाला पार्ट भी बन जाता है. ठीक है, उसके बाद एक ऐड होता है यहाँ पर. सो अल्टीमेटली होने क्या वाला है, 1 2, इसको ब्लैक बना देता हूँ आपके लिए, 1 2 3, ये ब्लैंक और ये ब्लैक, गुड. फिर ये एम्प्टी, फिर ब्लैक डॉट और ये आ जाएगा अपना. ठीक है, उसके बाद अपना क्या आने वाला है कि एक ब्लैक आएगा यहाँ पर, या फिर नहीं. और डी सही नहीं है इसका ऑप्शन, क्योंकि अगर हम ऐसा देखते हैं तो एक रोल ये फॉलो हो रहा है. बट अगेन हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, तो हम यहाँ पर वाइट नहीं होना सकता ना ये वाला, तो ये तो कॉमन होना जरूरी है ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट कॉमन होना चाहिए. तो यहाँ पर तो ये पार्ट अपना कॉमन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो यहाँ पर हमने पहली गलती कर दी थी. ओके, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, आई होप कि सॉरी फॉर इट, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि मुझे लगा डी ऑप्शन है. तो आई थिंक समझ में आ गया कि हम कहाँ पर गलती कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके लिए क्या है, विच ट्रायंगल शुड रिप्लेस द वन विद द क्वेश्चन मार्क. तो आपको बताना है कौन सा जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल आने वाला है. तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ब्लैक डॉट है, फिर ये इधर की तरफ गया दूसरे कॉर्नर पर, फिर या तो ऊपर जा सकता है या फिर इधर राइट में आएगा. राइट में नहीं आएगा, ये वापस जाएगा. अगर ये कॉर्नर और दिस कॉर्नर, देन दिस कॉर्नर एंड देन दिस कॉर्नर एंड देन दिस कॉर्नर, यस ये भी बन रहा था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ये. लाइक एक बार क्या है, इस कॉर्नर पर है, फिर द नेक्स्ट टाइम पर यहाँ पर उस कॉर्नर पर आएगा, फिर इस कॉर्नर पर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर है, तो फिर अगली बार यहाँ पर गया, तो अगली बार कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए. लेकिन आप चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर ये ब्लैक था फिर वाइट बना, तो यहाँ पर ब्लैक होगा फिर वाइट होगा, फिर ब्लैक है वाइट है ब्लैक है. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया क्वेश्चन कि कैसे हमने सही आंसर तक पहुँचे हैं. ठीक है, तो फिर मैं आपको बता चुका हूँ, फ्री मॉक टेस्ट के लिए ये है. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस में और क्वेश्चंस लेकर आऊँ आपके लिए, जिसके अंदर हम लोग आर्किटेक्चर अप्रूव डिस्कस कर सकते हैं, प्लान, एलिवेशन, मिरर, काउंटिंग फिगर, इनकी टेक्निक क्या होती है, कैसे अपने आंसर को चेक करना है, तो लेट्स सी कि आप कितना इसको लाइक कर पाते हैं, कमेंट कर पाते हैं. और अगर आप चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन करना, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. नंबर है 9250809050. बाकी आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स. और साथ साथ हमें तैयारी भी करनी है, तो जो आपके मेन एग्जाम है उनको छोड़कर थोड़ा सा टाइम्स को इग्नोर मत करना नाटा के लिए. नाटा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 10-15 दिन में कवर कर पाओगे, थोड़ा सा हमें रेगुलर पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर योर टाइम.